नेल्सन रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के फूड एक्सपेंडिचर में 40% शेयर प्रोसेस्ड फूड्स एंड स्नैक्स का है, जो कि आज से 20 साल पहले सिर्फ 25% था। प्रोसेस्ड फूड हम बहुत सुनते हैं टीवी पर, यूट्यूब पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोसेस्ड फूड आखिर है क्या और आपको इसके बारे में जानना आखिर क्यों जरूरी है। दरअसल प्रोसेस्ड फूड हर वो फूड है जिसे उसकी नेचुरल स्टेट से कैनिंग, फ्रीजिंग, रेफ्रिजरेशन या उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर, फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव्स डाल के पैक किया गया हो। ऐसे फूड आइटम्स 90% हाई इन फैट्स, सोडियम, शुगर, मैदा एटसेट्रा होते हैं, मतलब इट हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैलोरीज विद हाई अमाउंट्स ऑफ सोडियम, पर फाइबर, विटामिंस, मिनरल्स में बिल्कुल डेफिशिएंट होंगे, तो वो असली खाना या डाइट नहीं है। और इंडिया में मोस्टली ये सब पाम ऑयल जैसे घटिया तेल में बनते हैं। पाम ऑयल को मैं घटिया क्यों कह रहा हूँ इसे एक मिनट में आपको सब समझाऊंगा। पहले आपका ये जानना जरूरी है कि क्या आखिर हर स्नैक इंडिया में पाम ऑयल ही है। जी हाँ, बिस्किट, नमकीन, चिप्स से लेकर मैगी, नूडल्स, आइसक्रीम तक हर चीज में पाम ऑयल या पाम ऑलिन रिफाइंड ऑयल यूज होता है। कोई भी भुजिया, रोस्टेड पीनट्स, मूंग दाल, सब में। अब ये घटिया इसलिए क्योंकि इसमें 50% सैचुरेटेड फैट है, जो कि आपके LDL कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, और LDL कोलेस्ट्रॉल आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है, और साथ ही साथ आपके HDL कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो आपकी लिपिड प्रोफाइल पूरी ही बदल देता है। अब क्योंकि ये सस्ता है और कंपनीज इससे प्रॉफिट बना सकती हैं, तो इसे हर जगह यूज कर लिया जाता है। इस चीज की इतनी बुरी नौबत है कि अब अमेरिकन कंपनीज जो अमेरिका में प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो वहां तो पाम ऑयल यूज नहीं करती, बट इंडिया में प्रॉफिट बनाने को यहाँ तो पाम ऑयल यूज करती ही है। ये इतना हाईली सैचुरेटेड है, कंपैरिजन में ऑलिव ऑयल सिर्फ 14% सैचुरेटेड फैट कैरी करता है। तो इसकी हाई अमाउंट रोज खाने से आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि जैसे जैसे डाइट प्रोसेस्ड फूड की तरफ बढ़ रही है, हार्ट अटैक का लेवल इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया में 50% हार्ट अटैक 50 की उम्र से नीचे होते हैं आजकल, जो कि एक बड़ा हेल्थ कंसर्न है। पाम ऑयल एंड इसके सभी प्रोडक्ट्स आपको विसरल फैट इन्फ्लेमेशन देकर इंसुलिन रेजिस्टेंट भी बना रहे हैं, जिससे आप टाइप 2 डायबिटीज को प्रोन हो रहे हो, मतलब आपके ऑर्गन्स के बाहर फैट जमा कर इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं ऐसे पाम ऑयल जैसे ऑयल्स। और इंसुलिन ब्लड में हाई ग्लूकोज को सेल्स में एनर्जी के लिए यूज करने के लिए नाकामयाब हो जाता है, जिससे आपको हाइपरग्लाइसीमिक बना रहा है। यही रीजन है कि इस समय इंडियन डाइट की एक क्राइसिस ही चल रही है, जहां 2019 के डाटा के अनुसार 77 मिलियन लोग डायबिटिक थे, वहां आज 2024 में कुछ 90 मिलियन लोग डायबिटिक हैं। कम होने की जगह ये हर साल बढ़ते ही जा रहा है। अब 90% लोग तो टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हैं, जो कि ओबेसिटी लिंक्ड है, मतलब आपके खाने पीने के ढंग से जुड़ी हुई ये बीमारी है। तो ये तो साफ है, प्रोसेस्ड फूड पाम ऑयल मैदा आपको बीमार कर रहा है, एंड आप जानते नहीं इस बात को। जिस दिन आप जानना शुरू होंगे, उस दिन आप भी अपनी ब्लड ग्लूकोज देख रहे होंगे या फिर हार्ट के पेशेंट होंगे। सिर्फ पैकेट स्नैक्स में ही नहीं, आजकल तो हर फ्राइड स्नैक वर्ल्ड वाइड पाम ऑयल में ही बनता है, क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट ज्यादा है और सस्ता है बाकी ऑयल्स के कंपैरिजन में। तो बस इसी तेल में कितनी बार खाना तल तल के आपको खिलाया जा रहा है। और मैदा तो आजकल हर चीज में है, बिस्किट हो, चिप्स हो, केक्स हो, कुछ भी हो, हर चीज में आपको आजकल मैदा ही मिलता है। और मैदा तो इतना घटिया है, इतना घटिया फ्लावर है कि क्या बताऊं। क्यों? क्योंकि एक तो मैदे के अंदर कोई ब्रैन, कोई जर्म, कुछ नहीं है। वीट से निकाल कर ये बनता है, बट इसमें कोई फाइबर, कोई विटामिंस, कोई मिनरल्स नहीं। रिजल्ट क्या है? एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्लावर, यानी कि इसको खाने से आपकी शुगर लेवल और इंसुलिन लेवल एकदम से बढ़ेंगे, जो कि डायबिटीज की तरफ आपको लेकर जाएंगे। मैदा खाने वाले लोगों को कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की बीमारी भी रहती है। तो इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता था कि आप अपना खाना देख कर खाएं, इंग्रेडिएंट्स देखें, उसमें क्या डलता है, क्या नहीं डलता है। पाम ऑयल को अवॉइड करना पड़ेगा, जो कि इस समय हर जगह है और थोड़ा मुश्किल काम है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप सबसे अच्छा काम ये कर सकते हैं कि सिर्फ असली खाना खाएं, पैक्ड फूड कम करें, फ्रेश मिल्क, दही, ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, पल्सेस, फिश, चिकन, पनीर, ऐसी चीज़ें खाएं जो शरीर बनाएंगी, ना कि प्रोसेस्ड मैदा या पाम ऑयल।